वेलकम टू इजी एंड टेस्टी। आज हम लोग बनाएंगे सूजी और गाजर की बर्फी। इसके लिए हमने लिए आधा किलो गाजर, थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल, कुछ सूखे मेवे कटे हुए, छोटी इलायची का पाउडर, 2 चम्मच देसी घी, लगभग 50 ग्राम सूजी और 50 ग्राम खोआ लिया है। गाजर को आप घिस भी सकते हैं या फिर इसे बड़े टुकड़ों में काट के जार को 2-3 बार खोलते बंद करते हुए मिक्सी को चलाइए तो ये घिसी हुई गाजर की तरह हो जाएगा। अब आप इसे बाउल में निकाल लीजिए, फ्लेम ऑन करिए, उसमें एक पैन रखिए। अब पैन में आप सूजी को भून लीजिए। सूजी को लो फ्लेम में भूनिए। जब सूजी हल्की ब्राउन कलर की भुन जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। अब वापस फ्लेम ऑन करके पैन रखिए, उसमें 2 चम्मच देसी घी डालिए। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डाल के गाजर को डाल के अच्छे से भून लीजिए। गाजर को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, उसके बाद आप इसमें सूजी डाल दीजिए। सूजी के साथ ही आपको चीनी मिक्स करनी है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर ली है। आप चीनी या शुगर फ्री अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। अब इसे ढक के लगभग 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाइए। तब तक खोए को घिस लीजिए। 10 मिनट के बाद खोए को उसमें डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे ढक के पकाते हुए थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है और अच्छे से भूनना है जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। ये अच्छे से भुन जाएगा तो ये पैन में घी छोड़ने लगेगा। अब आप एक ट्रे में ग्रीस कर लीजिए और इस मिक्सर को उसमें डाल दीजिए। उसे अच्छे से सेट कर लीजिए। अब आप इसमें घिसा हुआ नारियल और सूखे मेवे डाल के सेट कर लीजिए। ये अच्छे से सेट होने के बाद इसे फॉयल पेपर से ढक के या तो 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं या जल्दी हो तो इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखिए। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब आप इसे अपने मनचाहे पीसेस में काट लीजिए, जो भी शेप आपको रखना हो बर्फी का, जैसे मैंने स्क्वायर शेप में काटा है। ये बर्फी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है। गाजर वैसे भी विटामिन ए से भरा हुआ रहता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक